I see the people's means like the bhakt of Allah, they pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं क्या है कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए जहां तक कि सही हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं 3 दिन से ज्यादा नहीं क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है तो इंतकाल होने के बाद भी मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई मैक्सिमम 3 डेज तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है होप द आंसर इज द क्वेश्चन है कि पैंथियज्म सबको खुदा मानना इसका जवाब है उसका जवाब में कहा था हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना उसने कहा था पैंथियज्म सब कुछ खुदा है सब कुछ खुदा है इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है मतलब अगर आप सबको खुदा मानते चोर को भी खुदा मानते डाकू को भी खुदा मानते खुदा का मतलब उसका कहना मानना बराबर कि नहीं उसकी इज्जत करना उसकी इबादत करना वो जो कहता है उसकी बात मानना तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे वो बोलेगा चोरी को तो आप चोरी करना शुरू करेंगे वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे आप उसको खुदा बोलेंगे चल भाई बलात्कार कर आप करेंगे करेंगे तो इसी तरह ये इलॉजिकल है खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और ये जो फिलॉसफी है ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे किधर से आई इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक इतना नेक वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं और कई मजहब इस्लाम के अलावा कोई मजहब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया कुछ मजहब कहते हैं अनेक बार और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक इतना नेक इतना महान उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है इंसान को किस चीज का बुरा लगता है इतना नेक इतने पाक इंसान को दर्द कैसा होता है इंसान को तकलीफ कैसा होती है तो ये खुदा जो नेक और पाक है जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए वो इंसान का रूप धारण करते ये फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की ऊपर से लगता है बहुत लॉजिकल है खुदा इतना नेक इतना पाक इतना दयालु वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है क्या मजबूरी है क्या मुश्किलात है तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है ऊपर से देखे तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया डीवीडी प्लेयर क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है जरूरी है नहीं मैं एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो प्ले का बटन दबाओ स्किप का बटन दबाओ स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ पानी में मत डालो खराब हो जाएगा ऊपर से मत फेंको खराब हो जाएगा मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है हमारा बनाने वाला है हमारा पैदा करने वाला है उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं वो क्या करता है इंस्ट्रक्शन मैन्यू लिखता है इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कैसा इबादत करना चाहिए और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है कुरान इस ईश्वर इस भगवान इस अल्लाह इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है कुरान इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है
किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथियज्म फिलॉसफी टोटली रॉन्ग, और वेद में किधर नहीं लिखा है, आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है, आप अगर देखेंगे मेरी कैसेट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कम सच विप्र बहुदा वेदांते, खुदा एक है, उसको नाम अलादा दे सकते हैं आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं, और वो एक खुदा है। न तस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैचू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। खातून में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कीजिए। यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ, वो एक इस्लामिक स्कूल है, मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर, एंड सब मुसलमान बच्चे, प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे। उसमें एक ख़ास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स है, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल का बंदोबस्त करिए, वो भी प्लीज़। सर एक मिनट, आई वॉन्ट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया, आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही, फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज़ में ये माना जाता है कि कोई और था, ठीक है। आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफ़ी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 ईयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गए। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम ए फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ टाइम, सो आई थैंक इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ, बस। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने अच्छा सवाल पूछा है, सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते, बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुबहाना व तआला का करम है, जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊँ, और इस्लाम के पैगाम के वजह से माशाल्लाह कई लोग माशाल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं, लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ, और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा
مانا ہوا شخص سب سے بہترین انسان اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی شخص کے خلاف لکھی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. بہن کا سوال ہے کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتی ہے، پیس ٹی وی سے خوش ہے، پیس ٹی وی سے اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے. وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا چینل شروع کروں میں جو صحیح نیوز انسانوں تک پہنچائے. آپ گویا کہ میرے دل میں جھانک کے میرے دل کی بات کہہ رہی ہے. سر ایک کوشچن لاسٹ ریکویسٹ، ایک سر ایک منٹ، جسٹ اے منٹ. آج ساری دنیا کی ارتھ ویوستھا برباد ہو رہی ہے. سامیہ وادی روس کی ارتھ ویوستھا لگ بھگ سماپت ہو گئی ہے. پوجی وادی ارتھ ویوستھا ختم ہونے کے کگار پر ہے. کیا یہ صحیح سمے نہیں ہے کہ مسلم ارتھ ویوستھا کو لاگو کر دیا جائے؟ تھینک یو سر. ماشاء اللہ بہن کا کافی مطالعہ ہے اسلام کے بارے میں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام سارے جہاں میں لاگو ہونا چاہیے. وہی میں کہتا ہوں، دس قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. یو نو ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یہ انسانیت کا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن. اسی لیے اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے پیس دا سلیوشن فار ہیومینٹی، اسلام انسانیت کے لیے حل. جتنا اسلام پھیلیں گا اتنی ہی انسانیت کی مشکلات دور ہوگی، اور یہ قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. اگر یہ کانسٹیٹیوشن ساری دنیا میں لاگو ہو جائے گا، انشاءاللہ اس دنیا کے انسانیت کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک نیوز چینل ہونا چاہیے، یہ میری خواہش ہے. کئی سال پہلے ایک خواہش تھی کہ ایک اسلامک چینل شروع کروں، اور جانتا ہوں کہ اسلامک چینل شروع کرنا یہ کوئی کھانے کی بات نہیں، اٹس این ہرکیولین ٹاسک. شروع کرنے کے بعد اسلام کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا تو اور مشکل کام ہے. کہ اللہ تعالیٰ، اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے، آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وسائل اس سے شروع کرو. آپ کے پاس 100 روپیہ، شروع کرو، رکو مت، جب وسائل آئیں گے تو شروع کروں گا. ہم نے شروع کیا ہمارے ادارے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت کو قبول فرمایا. ابھی ایک پیس ٹی وی ماشاءاللہ ہے جو تقریباً 3 سال پہلے شروع ہوا، 2 سال 10 مہینے، اور اللہ کی مدد ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ. یہ پیس ٹی وی ابھی ساری دنیا میں موجود ہے. 3 مہینے پہلے صرف ساؤتھ امریکہ میں موجود نہیں تھا، اللہ کی مدد سے 3 مہینے سے ساؤتھ امریکہ میں بھی موجود ہے. کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں انگریزی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، کیوں ہم کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر دکھایا الحمدللہ. اور ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پیس نیٹورک ہو، اور اس پیس نیٹورک میں ایک چینل پیس نیوز بھی ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ ایک ایسا چینل ہو جو صحیح نیوز دے. اکثر نیوز چینل دے آر گورنڈ بائی پولیٹیشینس. جو نیوز چینل کی آمدنی ہے، دے بیہیو لائک گروپس سپورٹنگ پولیٹیکل پارٹیز اور ڈفرینٹ ویو پوائنٹس. کوئی بھی چینل ہو، آپ ان کی جو آمدنی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے، دے آر پریشر گروپس. اور میں جانتا ہوں، جیسے میں تقریر میں کہا تھا، اس ٹیررزم مسلم مناپلی، کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے، پونا میں آپ نے سنا ہوں گا. اور میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ پولیٹیشینز ہے
جو مین ذمہ دار ہے آتنکواد کے, اور ایک نیوز چینل قائم کرنا وداؤٹ پولیٹیکل سپورٹ. میں نہیں جانتا کوئی نیوز چینل آج ہے جو پولیٹیکل سپورٹ کے بنا چل رہا ہے. نیوز چینل قائم کرنا بہت مشکل ہے. نیوز چینل قائم کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا بہت بہت مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ بھی کام کروائے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک ایسا چینل ہو جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, غیر مسلمانوں کے لیے بھی ایک صاف ستھرا نیوز چینل ہو جو حق کی بات فرمائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 ورس نمبر 81 میں, وَقُلْ جَا الْحَقْ وَزَاقَ الْبَاطِلْ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَوْقَا, کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہونے والا ہے, کیونکہ باطل فی نفس ختم ہونے والا ہے. Hope that answers the question.